हाय दोस्तों, आज मैं फिर एक बॉर्डर डिजाइन लेकर के आई हूँ। इस बॉर्डर डिजाइन का ड्राइंग, ग्राफ एंड फिलिंग सब बताऊंगी। चलिए पहले इसका ड्राइंग बताती हूँ, फिर इसको बनाने का प्रोसेस भी बताऊंगी। कंटिन्यूअसली आपको बॉक्स बनाते हुए चले जाना है। ऐसे एक बॉक्स बन गया। इस बॉक्स को छोड़ना है, इस बॉक्स के ऊपर सिंगल बॉक्स लेना है, फिर इस बॉक्स को छोड़ना है, इस बॉक्स के ऊपर बॉक्स बनाना है और इस वाले बॉक्स के लेफ्ट एंड राइट बॉक्स बना लेना है, फिर इस बॉक्स को छोड़ना है, इस बॉक्स के ऊपर एक सिंगल बॉक्स, फिर इस बॉक्स को छोड़ना है, जैसे मैंने इस पे बनाया वैसे यहाँ पे भी बनाना है। इस बॉक्स को छोड़ने के बाद ये वाले बॉक्स के ऊपर एक बॉक्स छोड़ना है, दूसरे वाले बॉक्स के ऊपर सिंगल बॉक्स, फिर एक बॉक्स छोड़ना है, फिर इस बॉक्स के ऊपर ये इस शेप में बॉक्स बना लेना है। आगे वैसे ही एक बॉक्स छोड़ना है, इस बॉक्स के ऊपर सिंगल बॉक्स लेना है, फिर इस बॉक्स को छोड़ना है, इस बॉक्स के ऊपर बॉक्स बना लेना है, फिर इस बॉक्स को छोड़ना है, इसके ऊपर सिंगल बॉक्स, फिर इस बॉक्स को छोड़ना है, इस बॉक्स के ऊपर इस डिजाइन में ये बॉक्स बना लेना है, फिर इस बॉक्स को छोड़ना है, इस बॉक्स के ऊपर सिंगल बॉक्स बना लेना है। इसी तरह आपको कंटिन्यू करते हुए चला जाना है जितना लंबा आप चाहते हैं बॉर्डर बनाना। चलिए अब इसको बना करके दिखाती हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये जिगजैग करके पहले इसको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जब रिटर्न आएंगे ना, तब इधर से देखेंगे कि कैसे ऊपर का डिज़ाइन बन के आता है। यहाँ तक लेकर के आना है, इस थ्रेड को नीचे से लेना है, यहाँ पे आना है। फिर एक बात वही सही बोलूंगी कि ऊपर का थ्रेड ऊपर से लेना है और नीचे का थ्रेड नीचे से लेना है। नीचे का थ्रेड नीचे से लेना है, यहाँ तक आना है और ऊपर के थ्रेड को ऊपर से लेना है। ऐसे ही ये जिगजैग करते हुए यहाँ तक चले आना है। ये स्लीव्स है, ये एंड से फिर कैसे रिटर्न होकर के ऊपर का बनाऊंगी वो दिखाती हूँ। अब मैं यहाँ एंड तक आ गई हूँ। ऊपर का थ्रेड ऊपर से लेना है, नीचे का थ्रेड को नीचे से लेना है, यहाँ पे आ जाना है, फिर ये ऊपर से लेना है, यहाँ भी ऊपर से लेना है। अब यहाँ से इस फ्रेम को टर्न लेना है, यहाँ पे आ जाना है, ऊपर से लेना है और इस थ्रेड के नीचे लेकर के यहाँ पे आ जाना है, ऊपर से लेना है, ये फिर ऊपर से लेना है, ऊपर से लेना है और इस थ्रेड के नीचे लेना है, इस थ्रेड को छोड़ देना, यहाँ आ जाना है, ऊपर से लेना है और इस थ्रेड के नीचे लेना है, यहाँ पे आना है, फिर ये ऊपर से लेके यहाँ पे आ जाना है, यहाँ भी ऊपर से लेना है, ऊपर से लेना है, ऊपर से लेता है और इस थ्रेड के नीचे लेना है, यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद ये ध्यान दीजिएगा तो ये थ्रेड नीचे दिख रहा है, तो वैसे ही इसको यहाँ पे ले लेना है। तो देखिए जैसे ये नीचे से है वैसे ये नीचे से दिखेगा, यहाँ पे आ जाना है, ऊपर से लेना है, फिर ये भी ऊपर से लेना है, ऊपर से लेना है, इस थ्रेड के नीचे लेना है, इस थ्रेड को छोड़ देना, यहाँ आ जाना है, ऊपर से लेना है, इस थ्रेड के नीचे लेना है, इस थ्रेड को छोड़ देना, यहाँ आ जाना है, फिर ये ऊपर से लेना है और इस थ्रेड के नीचे लेकर के यहाँ आ जाना है, ऊपर से लेना है,
या फिर ऊपर से लेना है, ऊपर से लेना है और इस थ्रेड के नीचे लेना है, इस थ्रेड को छोड़ देना, यहाँ तक आ जाना है, ऊपर से लेना है और इस थ्रेड के नीचे ले करके फिर जैसे इसमें किया था वैसे ही इसमें भी अप्लाई करना है। ऊपर से लेके यहाँ पे आना है, ऊपर से लेना है, यहाँ पे आना है, फिर ये ऊपर से लेके यहाँ पे आना है, ऊपर से लेना है और इस थ्रेड के नीचे लेकर के यहाँ पे आ जाना है, फिर इस मिडिल वाले बॉक्स के नीचे से लेना है, ये थ्रेड इस थ्रेड के नीचे लेना है, यहाँ पे आना है, तो फिर देखें तो दोनों सेम सेम इसके नीचे आ रहे हैं, तो ये भी इसके नीचे ही दिखेगा, यहाँ पे आ जाना है, ऊपर से आना है, यहाँ फिर ऊपर से लेना है, ऊपर से लेना है और इस थ्रेड के नीचे लेना है, इस थ्रेड को छोड़ देना है, यहाँ पे आ जाना है, फिर ये ऊपर से लेना है और इस थ्रेड के नीचे लेकर के यहाँ पे आ जाना है, जैसे मैंने इसको किया फिर इसको किया वैसे फिर यहाँ भी वैसे ही अप्लाई करना है, ऊपर से लेना है और इस थ्रेड के नीचे लेकर के यहाँ पे आ जाना है, फिर ये ऊपर से लेना है, यहाँ भी ऊपर से लेना है, ऊपर से लेना है और इस थ्रेड के नीचे ले करके यहाँ पे आ जाना है, फिर ये ऊपर से लेना है और इस थ्रेड के नीचे लेके यहाँ आ जाना है, जैसा इन दोनों को मैंने किया है वैसे आगे सबको करते हुए चले जाना है। यहाँ एंड पे आने के बाद एंड कैसे करूँगी और फिर यहीं से मैं फिलिंग कैसे स्टार्ट करूँगी वो दिखाती हूँ। अब मैं यहाँ एंड पे आ गई हूँ, ऊपर से लेना है, यहाँ भी ऊपर से लेना है, यहाँ पे आना है, ऊपर से लेना है, इस थ्रेड के नीचे ले करके इस थ्रेड को छोड़ देना है, यहाँ आ जाना है, ऊपर से लेना है और इस थ्रेड के नीचे ले करके यहाँ आ जाना है, ऊपर से लेना है, यहाँ पे आना है, जैसे इन सबको किया वैसे इसको भी करना है एंड में, ऊपर से लेना है, ऊपर से लेना है, इस थ्रेड को ऊपर से ले करके यहाँ इस थ्रेड के नीचे लेना है, यहाँ पे आ जाना है, इस थ्रेड के नीचे लेना है, यहाँ पे आ जाना है, ऊपर से लेना है, ऊपर से लेना है, ऊपर से लेना है, इस थ्रेड के नीचे लेना है, इस थ्रेड को छोड़ देना, यहां आ जाना है, ऊपर से लेना है, इस थ्रेड के नीचे लेना है, इस थ्रेड को छोड़ देना, यहां आ जाना है, ऊपर से लेना है, फिर यहाँ ऊपर से ले करके इस थ्रेड के नीचे से ले करके एंड कर देना है। अब इसके बाजू से ही फिलिंग शुरू करूंगी मैं, थैंक यू।
जैसे इन दोनों को फिल किया है वैसे फिल करते हुए चले जाना है।